ये रामजरिया का सेन बोर्ड है, हम रामजरिया में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रामजरिया का नज़ारा है, कितना सुंदर सुंदर नज़ारा। देखिए ये सराय है, यहाँ पे हवन वगैरह होता है। और इस पेड़ को देखिए आप, यहाँ जो पेड़ है ये बहुत सारे बड़े बड़े हैं, और अब जो पेड़ होते हैं इतने बड़े नहीं होते। यहाँ पर राम भगवान आए हुए हैं, तो इन पेड़ों को देखिए आप। जय भोलेनाथ। हम आपको भोलेनाथ जी के दर्शन करा देते हैं। जय भोलेनाथ। और ये यहाँ का कुंड है रामजरिया में, आप देख सकते हैं कितना क्लियर पानी है। यहाँ पर सिक्के भी फेंके जाते हैं। हेलो भाई, आप बताओ कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं पे पास में मुनरखेड़ी गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो ये कहाँ का इलाका है? ये रामजरिया का मंदिर है, यहाँ पर राम भगवान आए थे और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, तो शिव जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। और ये पास ही में कुंड लगा रखा है यहाँ पर पानी का। अच्छा। और इधर पीछे अच्छा बगीचा भी लगा रखा है और छोटी छोटी मंदिरें भी बना रखी है आसपास में। यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर फोटो लगा रखा है, और जब भगवान वनवास में गए थे तो 14 साल रहे थे, तब उस वक्त भगवान ने शिव जी की शिवलिंग बनाई थी। तो यहाँ पर ये शिव जी की उस नाम से महादेव के नाम से जाना जाता है, श्री रामजरिया महादेव। देखिए यह आरती है। और ये देखिए यहाँ पर चंदन किसके लगाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं भक्तजन भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। देखिए तो